चला एजुकेशन। इसके बाद इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हो अपने वीएस कोड में, एक सेटअप बना सकते हो जावा का अपने वीएस कोड में, और यहाँ पर आपको कौन कौन सी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है लाइक जावा की, तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट बताऊंगा आपको मैं। वीडियो को पूरा देखना और इसको स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है जावा डाउनलोड। एंटर करोगे तो आपको इस तरह इंटरफेस होगा। आपको जस्ट ये वाला लिंक ओपन करना है ओरेकल का, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जावा का लेटेस्ट वर्जन है JDK 20, तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो है, तो हम विंडो के लिए करेंगे, तो यहाँ पर लिनक्स पर रहिए, बाय डिफॉल्ट लिनक्स पर ही होगा, तो आपको विंडो पर आना है इस तरीके से। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर ये देख सकते हो 64 इंस्टॉल है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर ही डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये डाउनलोड हो चुका है, तो जैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए मैं अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में आता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे इंस्टॉल करते हैं, इसको डबल क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको इसकी डायरेक्टरी आपको शो रही होगी, तो इसे आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो चेंज मत करो, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है तो प्रॉब्लम्स को अवॉइड करो एंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर करूँ क्लोज पर स्टॉप तो ये मुझे अपने डॉक्यूमेंटेशन शो करेगा, ठीक है, तो मैंने कर दिया क्लोज, तो आई थिंक नहीं किए, ठीक है। तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको इसका वेरिएबल पाथ, इसका तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको इसका पाथ सेट करना है। चलिए आपको जस्ट आना है अपने सी ड्राइव के अंदर, और यहाँ पर आपको आना है प्रोग्राम्स फाइल के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद आपको आना है जावा के अंदर, और JDK के अंदर आना है, बिन के अंदर आना है, और यहाँ पर आपको इसके पाथ को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी कर लेना है इसे, और जस्ट आपको ओपन करना है यहाँ पर, और यहाँ पर सर्च करना है एनवायरमेंट, तो एडिट दिस सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको आना है एनवायरमेंट वेरिएबल पे, और यहाँ पर आपको आना है पाथ, जस्ट इस पर आपको यहाँ पर न्यू करना है, कंट्रोल वी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना और ओके पे क्लिक करना एंड ओके पे क्लिक करना एंड ओके पे करना, तो आपका पाथ सेट हो चुका है। जस्ट आपको इसे वेरीफाई करने के लिए टर्मिनल को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है जावा सी और -- वर्जन, तो वर्जन में कर देता हूँ एंड इंटर करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपका लेटेस्ट वर्जन शो कर चुका है, तो इसका मतलब हमारा जावा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। एंड इसके बाद हम आपको जस्ट अपना ब्राउजर ओपन करना है, तो यहाँ पर आप वी एस कोड को डाउनलोड करेंगे, तो जस्ट यहीं पर आपको टाइप करना है वी एस कोड डाउनलोड, ठीक है, तो इसे आपको ओपन कर लेना। तो आई थिंक इसका न्यू फीचर दे दिया दिखे शायद, तो मुझे जस्ट वापस जाना है, मैं आपको यहीं पर आऊँ विजुअल स्टूडियो, तो इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा और यहाँ पर आपको डाउनलोड विजिट स्टूडियो कोड को ओपन कर लेना, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जितने भी लिंक होंगे सारे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर आप अपने कोडिंग जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो है लिनक्स है या मैक है तो उसके कोडिंग कर लेना। मेरा विंडो है तो विंडो पर आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने डाउनलोड कर लिया, मैं सब पॉज कर देता हूँ, जैसे इंस्टॉल करते हैं और जैसे इसे मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से एग्जिट कर देता हूँ, तो इसको जस्ट करते हैं और आपको मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में आता हूँ, यहाँ पर मेरा है माई स्कूल, ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो को मैं से इंस्टॉल करता हूँ। आपको इस तरह का इसका इंटरफेस शो होगा, तो आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना और इसके आपको इस तरह का आइकन होंगे, ठीक है, मेरे तीनों दिखा रहा हूँ, तो आपको इस तरह का आइकन होंगे, आपको तीनों को ऐड कर देना, ठीक है, इसका डेस्कटॉप आइकन क्रिएट होगा और इससे आप टर्मिनल के थ्रू खोल ओपन कर सकते हो, ठीक है, डॉट कोड डालोगे तो ओपन कर लोगे, ये मैं दिखा दूंगा कैसे तरीके से यूज़ होती है, ठीक है, तो आपको मैं चेक कर देना सब, इसका पाथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसका पाथ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, तो आपको ये कर देना है, कंपलसरी है, आपको जरूर करना, ठीक है, तो इसका आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है। तो गाइज ये हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, तो अगर आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो ये लॉन्च हो जाएगा, तो मैं इससे चेक हटा के फिर फिनिश पे क्लिक करता हूँ, मुझे इसे लॉन्च नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा ये विजुअल स्टूडियो कोड का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, जल्दी से, और यहाँ पर मैं न्यू करता हूँ और न्यू करके एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम है जावा प्रोग्राम। आई थिंक आप बना सकते हो फोल्डर या आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, आप एक बेसिकली फोल्डर बना लिया ही करो, इससे आपके प्रोग्राम्स
होंगे इधर तो नहीं फैलेंगे, आप अपने एक फोल्डर के अंदर ही होंगे, तो मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा। तो मैं जस्ट यहाँ पर आपका आइकन आ गया होगा, इसे ओपन करना है आपको। तो यहाँ पर ओपन करोगे तो आपको बेसिकली इस तरह का इंटरफेस होगा। अगर पहली बार आपने किया होगा, ये मेरे रिसेंट फोल्डर दिखा रहा है कि आपने रिसेंट ये फोल्डर ओपन किया, तो जस्ट मुझे अपने फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पर मुझे ओपन फोल्डर करके, ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हो आप और यहाँ से भी कर सकते हो, फाइल पे जाके ओपन फोल्डर। एंड यहाँ पर मुझे डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर था, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा और जस्ट मेरा था जावा प्रोग्राम, तो जावा प्रोग्राम से ओपन कर लेना। तो बेसिकली जावा प्रोग्राम एक नाम है, कभी आप सोचे कि ये प्रेडिफाइन है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो यहाँ पर आप फाइल किस तरीके से क्रिएट करोगे, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे, आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे करना है फर्स्ट डॉट जावा, तो मैं जावा की फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, इसका आइकन भी आ चुका है सही से। तो एंड यहाँ पर मैं जावा का फर्स्ट प्रोग्राम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जावा का फर्स्ट प्रोग्राम लिख लिया, जिसमें हमारा एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, हेलो वर्ल्ड, हेलो कैपिटल कर देता हूँ, तो हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर इसे आप रन किस तरीके से करोगे, तो बेसिकली वीएस कोड में रन करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारा पुराना, जो जैसे हम जावा को रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रन, यहाँ पर आना, ठीक है, यहाँ पर आपको थ्री डॉट दिख रहे हैं, इस पर आपको आना है, टर्मिनल को ओपन कर लेना, न्यू टर्मिनल को करना आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टर्मिनल ओपन हो जाए, तो मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट आपको इसे इस तरीके से करना है, जावा, और मुझे यहाँ नहीं टाइप करना, मुझे यहाँ पर टाइप करना है जावा सी, एंड जावा सी क्या कंपाइलर है, उस अपने प्रोग्राम का आपको नाम लिखना है। तो फर्स्ट डॉट जावा इंटर करूंगा यहाँ पर, तो आप देखना एक फाइल जनरेट होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट डॉट क्लास नाम से एक फाइल जनरेट हो चुकी है, तो ये हमारी आउटपुट फाइल है। यहाँ पर आपकी हमेशा एक आउटपुट आउटपुट फाइल जनरेट होगी। तो इसे किस तरीके से आप रन करोगे, जस्ट आपको यहीं पर करना है, इसको जावा को हटा देना और आपको यहाँ पर जावा सी से सी को हटा देना। तो यहाँ पर आप इंटर करोगे तो आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर रन हो जाएगी, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आउटपुट आ चुका है, हेलो वर्ल्ड। तो ये तरीका हुआ, लेकिन इससे भी एक आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पर बटन मिल जाएगा, उसे क्लिक करोगे और रन हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है, आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। एक्सटेंशन यहाँ आप दो इंस्टॉल कर सकते हो, पहला होता है जावा की एक्सटेंशन, जावा की अगर आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे तो उससे फायदा ये होगा कि आपको यहाँ पर कोड सजेस्ट होगा और आपके टेम्पलेट मिल जाएंगे, बहुत चीज़ आपको मिल जाती है उससे। और अगर आप जावा की नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर कर लो कोड रन, पहले मैं आपको कोड रन बता दिखा देता हूँ, कोड रन आप कर लो, ठीक है। तो कोड रनर यहाँ पर आप करोगे, तो ये सब हर एक लैंग्वेज में यूज़ होती है, ठीक है। रन ये आपको रनिंग एनवायरनमेंट देती है, काफ़ी कुछ देती है आप, लाइक आपकी फाइल सेव ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, तो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इंस्टॉल कर लेना आपके रजिस्टर, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर ये आइकन आ चुका है, ठीक है, रनिंग का आइकन आ चुका है। तो इसमें क्या होता है कि पहले यार मैं वेलकम पेज हटा देता हूँ, ठीक है, ये आपकी एक्सटेंशन यहाँ से आएंगी एक्सटेंशन, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से आएंगे, ऊपर से आपको यहाँ पर आना है एक्सटेंशन का, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे आ जाएंगे, तो मैं वेलकम पेज यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल एस करके सेव कर लोगे, सेव तो पहले से, तो इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन होगा, यहाँ पर कोई भी फाइल जनरेट नहीं हो, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट डॉट, अच्छा मैं इसे डिलीट मारता हूँ, ठीक है, मैं इसे डिलीट मार देता हूँ, क्या कोई फाइल जनरेट होगी, डिलीट मार दिया, मैं इसे रन करता हूँ, तो ठीक है फाइल जनरेट हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपकी फाइल जनरेट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी फाइल जनरेट क्लास के नाम से। एंड यहाँ पर अब मैंने आपको करना है अपनी वीएस कोड में कुछ एक्सटेंशन है जो जावा के लिए, यहाँ पर 100% कर, ठीक है, जावा, और यहाँ पर करना है, ठीक है, जस्ट इसको सर्च मारने रहती है, और यहाँ पर आपको कर देना है वाले, ठीक है। ये पूरा पैक ही होता है एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, इसमें बहुत सारी एक्सटेंशन होती है, लाइक बहुत से लोगों ने इंस्टॉल किया, आप यहाँ पर इसका नंबर देख सकते हो, 20 लाख, नहीं आई थिंक 2 करोड़ लोगों ने इसे इंस्टॉल, 2 करोड़ लोगों ने इसे इंस्टॉल किया। तो बहुत सारी इसके अंदर एक्सटेंशन होती है, ये एक पैक होता है पूरा, तो इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से आप इंस्टॉल पर क्लिक करोगे ये हो जाएगी, आपको कोड सजेस्ट करेगी, क्योंकि मैं नहीं कर रहा बहुत एम डी, और आपको ये कोड सजेस्ट करेगी, चलो तो यार मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है, आपको मैं दिखाने के लिए कर, इसमें होता है क्या। और यहाँ पर जस्ट मुझे इसके फ्यूचर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन लगाना, यहाँ पर आप देख सकते बहुत कुछ इसके, और बेसिकली ये आपको कोड सर्च करती है, काफ़ी कुछ इसमें होती है। तो जब तक ये होती है मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं इसे यहाँ पर बैकग्राउंड में छोड़ देता हूँ। आपको जस्ट आना है, ठीक है, यहाँ पर आ गए हम, और आने के बाद आपको आना है फाइल्स के अंदर, ठीक है, फाइल के अंदर आने के बाद आपको आना है प्रेफरेंसेस के अंदर, प्रेफरेंसेस के अंदर आने के बाद आपको आना है सेटिंग्स के अंदर, ठीक है, सेटिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हो, इंटर कर दोगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है कोड रनर, तो कुछ चीज़ आपको करनी है, लाइक काफ़ी फास्ट कर पाओगे, कोड रन इंटर कर दूंगा मैं,
तो यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेटर की जितनी भी सेटिंग्स आ चुकी हैं, जस्ट आपको नीचे आते रहना और यहाँ पर आपको आना है, ठीक है, यहाँ पर आप तो और आपको इस तरीके से कर देना रन इन टर्मिनल, ठीक है, आपका इस तरीके से होगा, बेसिकली ये चेक नहीं होगा तो आपको चेक कर देना है। इससे क्या होगा कि आप टर्मिनल के थ्रू यूज़र को वैल्यू दे सकते हो, वरना आप नहीं दोगे, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होती है, इससे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लाइक आपने कोई प्रोग्राम बनाया जिससे आप यूज़र से वैल्यू ले रहे हो, तो यूज़र यहाँ पर टाइप नहीं कर पाएगा, लाइक यूज़र तो आप ही हो, तो आप टाइप नहीं कर पाओगे अपने टर्मिनल, तो इसे अगर कर दोगे तो आप टाइप कर पाओगे, ठीक है। और इसे भी आपको कर देना सेव ऑल फाइल्स बिफोर रन, यानी कि आप अगर आप फाइल सेव नहीं कर रहे हो ना, तो आपकी फाइल्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी रन होने से पहले, सेव फाइल बिफोर रन ये भी कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कर देना, ये तीनों आपको चेक कर देना, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपकी फाइल सेव हो जाएगी, आपको रन भी आप रन नहीं कर रहे हो, लाइक मैंने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए, लाइक मैंने यहाँ पर चेंज कर दिए तो हेलो एवरी वन कर दिया मैंने, तो मतलब कोड मैप चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे सर सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरी सेटिंग्स यहाँ पर इनेबल हो चुकी है। तो मेरी यहाँ पर अगर सेटिंग्स इनेबल हो चुकी है तो मुझे इसे सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पर तो आपको क्या मुझे क्या करना है, जैसे रन कर दूँगा, जैसे रन पर क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी, तो यहाँ पर इसका आउटपुट भी देख सकते हैं इस तरीके से, तो सेव करने का आपका टाइम सेव हो जाएगा, और बाकी टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आप सेव करने के लिए, तो इस तरह से आपको ये तीनों सेटिंग्स इनेबल कर लेंगे, टर्मिनल पर टाइप कर पाओगे, यूज़र को वैल्यू दे पाओगे, सारी फाइलें ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी, और इसमें सिंगल फाइल सेव होती है, इसमें सारी फाइलें सेव जितनी भी आपके दोनों कर लो, ठीक है, तीनों ही कर लो, एक दो तीन से यहाँ से हटा देना। और हमारी शायद ये जो एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है बहुत MB की यार, ये तकरीबन ये लगेगी 400-500 MB की तो होगी शायद, तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो चुकी है एक्सटेंशन, तो यहाँ पर ये मुझे एक्सेप्ट दिखा रहा है, ठीक है, आपका कुछ आप पर नहीं भी आ सकता, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, जस्ट आपको एक्सेप्ट कर लेना, इसमें बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है, मैंने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारी जिन्हें इनेबल जावा टेस्टर, ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी एक्सटेंशन अब ये करती है कि आपको कोड सजेस्ट करती है, आपको एनवायरमेंट बनाकर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें चेंजेस क्या क्या हुआ, पहला चेंजेस ये हुआ कि आप यहाँ पर जाओगे ना तो आपको दो तरह का एनवायरमेंट मिलेगा, रन जावा, पहले हमारा रन कोड था अब रन जावा, ठीक है, क्योंकि हमारी स्पेशल जो एक्सटेंशन यहाँ पर हो चुकी है। और अगर आप करोगे सिस्टम, ठीक है, तो आपको देखो इतना कोड सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो सिस्टम आउट इस तरीके से कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कोड मिल जाएगा, पूरी क्लास मिल जाएगी, पूरा आपको फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है, आपको बहुत कुछ इसमें मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप ना, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड अगेन, तो यहाँ पर ठीक है इस तरीके से कर देते हैं, और जस्ट इस पर अगर रन करोगे, यहाँ पर आप रन कर दोगे तो रन जावा, तो आपका फाइल जो है वो रन हो जाएगी, ठीक है, तो अलाउ एक्सेस मांग रहा है, ठीक है, दे देते हैं अलाउ एक्सेस, और देख सकते हो यहाँ पर हमारा आ चुका है आउट, थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पर आ चुका, तो यहाँ पर हमारे टर्मिनल है, यहाँ से आप इसे डिलीट करोगे यहाँ से हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसमें। एंड यहाँ पर अब आपको इसमें कुछ और चेंजेस हैं, यहाँ पर भी आप रन कर सकते हो रन एंड डीबग, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से रन डीबग पर क्लिक करोगे रन हो जाएगा आपको, इस तरीके से देख सकते हो। तो अब यहाँ पर आप आओगे ना, ये हमें नया मिला है, टेस्ट कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो इसे, और इससे कहीं टेस्ट कर सकते हो, जुपिटर है, जे यूनिट है, बहुत सारे इसके टूल्स मिल जाते हैं आपको। और यहाँ पर आप आओगे ना तो यहाँ पर आप रन एंड डिबग जावा पर क्लिक कर दोगे तो आपको पूरा सिस्टम डिबग होकर मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। तो बेसिकली इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत कोज आपको सजेस्ट करती है ये आपको एक्सटेंशन, एक जावा, अगर आप वी एस कोड में कोडिंग कर रहे हो तो आपको जावा स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन, जावा की सॉरी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी ही करनी है, ठीक है, आपको इसमें कोई चांसेस नहीं बनता कि आप ना करो, आपको कोड सजेस्ट करेगी, आपको क्लास बना के देगी, आपको फंक्शन बना के देगी, ठीक है, आपको बहुत कुछ ही सजेस्ट करेगी, ठीक है, आप इन्जॉय करोगे इसमें लिटरली, काफ़ी कुछ आपको इन्जॉय। और अगर आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर आप जैसे जावा प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर आप जावा का फर्स्ट प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जावा क्लास, तो मुझे यहाँ पर एक पैकेज बनाना है, यहाँ पर इस तरह का इसका एनवायरनमेंट आ गया होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो लाइक मुझे यहाँ पर एक जावा क्लास बनानी है, तो जावा क्लास में एंटर कर दूंगा, मैं कर दूंगा सेकेंड, तो इंटर करूंगा तो अब मुझे देखोगे जावा कितने क्लास बना कर दी, ये आपकी ये जावा क्लास है, और यहाँ पर इसमें मुझे इस तरीके से आप देख सकते हो फर्स्ट जावा प्रोग्राम, तो इस तरीके से यहाँ पर जावा फाइल, जावा फोल्डर, पैकेज, तो सब कुछ बना कर देगा। अगर आप जावा का फोल्डर बनाना चाहते हो तो पूरा उसमें बिन SRC सब कुछ होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसमें कितने ऑप्शन आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो जावा प्रोग्राम कर दूंगा, तो यहाँ पर मुझे एक पैकेज बनाना जावा का, तो मैं कर देता हूँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इंटर करूंगा तो मुझे जावा का एक पैकेज मिल जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके देख सकते हो एग्जाम्पल है, तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। बेसिकली बहुत कुछ है इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हो लाइब्रेरीज हैं, JDK है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो।
ऐसा ऐसा इस पर काम करोगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप इसमें सीखते जाएंगे। ठीक है, इस एक्सटेंशन का आप यूज़ ज़रूर करो, बहुत ही कमाल के एक्सटेंशन है ये, और इसका डेफिनेटली आप यूज़ करो। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ठीक है, तो आई थिंक इसे आप अगर करोगे आप तो गाइज़ अगर आप आई थिंक इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर डन जावा करोगे तो क्योंकि आपको कोड को सेव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सेटिंग्स थी वो सिर्फ करंट कोड के लिए थी। तो इसके लिए मैं करके देख लेता हूँ। ठीक है, मैं अगर इसे सेव नहीं करता हूँ तो इसमें एक पहले तो हम सेव नहीं कर रहे थे क्योंकि हमने उसमें वहाँ पर चेंजेस किए। हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने उसे सेव नहीं किया, मैं रन कोड जावा में करता हूँ तो क्या कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी तो देखती हूँ। हेलो वर्ल्ड नहीं, ठीक है, तो ये इसमें भी काम कर रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है। अगर आप सेव नहीं करोगे तो भी आपको ये काम कर। तो आई थिंक गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक्स वॉचिंग गाइज़।